नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस पुस्तक में 2100 से ज़्यादा प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर दिए हुए हैं और पिछला जो सॉल्व पेपर है वो भी दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। काफ़ी बेहतर पुस्तक है ये। इस पुस्तक में सारा स्टडी मटेरियल टू द पॉइंट दिया हुआ है और बिल्कुल सिलेबस के द्वारा दिया गया है और यूपी ट्रिपल एससी जिन प्रश्नों के सही उत्तर मानता है उन्हीं उत्तरों को बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और सबसे पहले बात कर लेते हैं 27,000 टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा है कि रिक्त पदों को भर्ती में शामिल करने के लिए सीएम को ट्वीट लिखा गया है। युवा मंच के प्रतिनिधियों ने सीएम को ट्वीट करके मांग की है कि महाविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भी शिक्षक भर्तियों के मौजूदा विज्ञापन में शामिल किया जाए। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने सीएम को ट्वीट करके दावा किया है कि अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 17,000 पद खाली हैं, जिस अभी आपने देखा होगा 917 पदों पर केवल विज्ञापन निकला हुआ है, और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 पद खाली हैं टीजीटी और पीजीटी और एलटी को मिला करके। तो यहाँ पर अशासकीय लिखा हुआ, तो इसका मतलब केवल यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की बात हो रही है। 27,000 पद खाली हैं। इसके बावजूद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी के तकरीबन केवल 4,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकालना है। और 27,000 पदों के लिए खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था, सरकार की तरफ से कहा गया था कि पदों पर भर्ती होगी, और वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहा गया था 17,000 पदों पर भर्ती होगी और केवल 917 पदों पर भर्ती आई। इसके विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं और विद्यार्थियों को मांग है कि जितने भी रिक्त पद हैं सभी रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। आप लोग ये देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले साल जानकारी दी गई थी कि प्रदेश में 74,000 पद रिक्त हैं और इसी को युवा मंच ने निशाना बनाया है। ये देखिए, पिछले साल जुलाई में बहुत सारी सूचनाएं आई थी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 30,000 भर्ती होगी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 27,000 पदों पर भर्ती होगी। जो चर्चा होती रहती है ना अक्सर कि आखिरकार 27,000 पद कौन से, जिसके बारे में अक्सर सोशल मीडिया में चर्चा होती रहती है। 27,000 पदों पर भर्ती 27,000 की जो चर्चा है वो सरकार के द्वारा की गई थी और ये घोषणा की गई थी। 2 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी कि इन इन विभागों में इतनी रिक्तियां हैं और ये भर्तियां होंगी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में भी लिखा है कि 17,000। तो ये ऐसे हवा में थोड़ी समाचार पत्र में लिख दिया गया होगा, ये जो सरकार ने आंकड़े दिए होंगे तभी तो ये पर लिखा है। तो आखिरकार ये पद जो है वो गए तो गए कहां, 27,000 की जगह 4,000 पदों पर भर्ती, 17,000 की जगह केवल 917 पदों पर भर्ती, अध्यक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। विद्यार्थी कल यूपी ट्रिपल एससी में धरना प्रदर्शन करेंगे और ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि लोअर का जो फाइनल परिणाम है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। 20 जून को भी विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, तब ये कहा गया था कि 15 दिनों में इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन परिणाम इनका जारी नहीं हुआ, इसीलिए विद्यार्थी कल फिर से यूपी ट्रिपल एससी पहुंच रहे हैं 11 तारीख। वहीं पर यूपी ट्रिपल एससी की अन्य बातों की अगर चर्चा करें तो जूनियर असिस्टेंट 2019 की विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर इसका जो परिणाम वो कब तक आ सकता है। तो अभी यूपी ट्रिपल एससी में जूनियर असिस्टेंट 2019 को काम को लेकर के कोई चर्चाएं नहीं है। जो यूडीए एलडीए की परीक्षा होने जा रही है और लेखपाल भर्ती की परीक्षा होने जा रही है, इसके बाद में चर्चा है कि जो लोअर इत्यादि का जो परिणाम है वो जारी किया जाएगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो परिणाम है वो अगले सप्ताह किसी भी समय जारी हो सकता है, शुक्रवार या शनिवार तक परिणाम जारी हो सकता है। अगली सूचना यूजीसी नेट को लेकर के लिखा, यूजीसी नेट में पहले दिन ही सर्वर धड़ाम हो गया, कल परीक्षाएं हो रही थी और उसी की बात यहां पर हो रही है। लिखा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट परीक्षा शनिवार को आयोजित की गई और पहले दिन ही नैनी स्थित एक निजी संस्थान में सर्वर धड़ाम हो गया। इसके चलते अधिकांश अभ्यर्थी परीक्षा ही नहीं दे सके, इसे छात्रों ने परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर के हंगामा किया। छात्रों ने मांग की है कि शनिवार को पहली पाली में आयोजित परीक्षा निरस्त करके पुनः करवाई जाए। 9 बजे से परीक्षा होनी थी और 10-10 मिनट कहते हुए लिखा हुआ है कि यहाँ पर 11:30 बज गए और 12 बजे के आसपास सिस्टम में कुछ विषयों का जो पेपर है वो आया। तो वहीं पर एक अन्य समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि नेट उम्मीदवारों को एक और मौका मिलेगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट शनिवार को पहले दिन तकनीकी खामियों की वजह से प्रभावित हुई। यूपी समेत देश भर में सर्वर से जुड़ी शिकायतों के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने ऐसे
केंद्रों के उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने के मौके का ऐलान कर दिया है। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है, जिसके आवेदन चल रहे हैं। लिखा प्रदेश के 194 कॉलेजों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। 37 विषयों में 917 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ में UPSC/ESC में देना होगा शपथ पत्र, और विस्तृत नोटिफिकेशन आप लोग आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अन्यथा आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपके अंदर योग्यता है, यानी कि अगर आपके अंदर सभी योग्यताएं जो मांगी गई हैं, अगर आप वो धारित करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% और नेट मांगा गया है। अगर आप नेट किए हुए हैं, 55% है MA में, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर बनने के लिए प्रयागराज के युवा घंटों बहा रहे पसीना। चूंकि अग्निवीर की वैकेंसी आ गई है और लाखों छात्रों ने आवेदन भी किया है, रैलियां शुरू होने वाली हैं, उसके बाद में लिखित परीक्षा होगी, इसलिए विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर बिहार से बम्पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। लिखा सातवें चरण के तहत 1,65,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। अभी कुछ दिन पहले झारखंड के बारे में जानकारी दी गई थी कि वहां से बहुत सारी शिक्षा विभाग इत्यादि में भर्तियां होंगी, और इसके बाद में जो अगली सूचना ये बिहार में, बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सूचना। लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया 1 माह के अंदर प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने 1,65,000 से ज़्यादा पदों पर नियोजन प्रक्रिया 1 माह के अंदर प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नई बात यह है कि विभाग इस साल के 31 मार्च तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के खाली पदों को भी गणना करा करके उस पर नियुक्ति करने का फैसला लिया है। तो जो इस बीच में और भी रिक्त पद हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। यहाँ पर आगे लिखा है कि रिक्तियों की जो संख्या है उसमें कुछ और वृद्धि होगी। आकलन है कि प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 1,65,000 से ज़्यादा हो सकती है। जुलाई के अंत में ही प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति हेतु शेड्यूल जारी करने की तैयारी है। इसी तरीके से अगस्त के पहले हफ्ते में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के तकरीबन 40,000 पदों पर भर्ती शुरू होगी। तो वहीं पर समझ में नहीं आता कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनसे सरकार की क्या नाराजगी है कि सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी बयान नहीं दे रही है। वैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो 12 तारीख को 6800 शिक्षक भर्ती की सुनवाई होनी है, अहम सुनवाई होनी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक डेट और लगेगी, या हो सकता है, मुझे तो लगता है कि 12 तारीख को ही हाईकोर्ट कोई फैसला दे सकती है। जैसे ही 6800 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी वैसे ही सरकार आपके लिए जो रिक्त पद हैं उस पर भर्ती घोषणा कर सकती है। आज के समाचार पत्रों में जो अगली सूचना है वो लिखा प्रदेश में 190 PHN ट्यूटर की होगी भर्ती। 35,000 रुपये मिलेगा मानदेय। NHM करेगा भर्ती, 20 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। वहीं पर पैरामेडिकल में हजारों पद खाली हैं, 41% तक पद खाली हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि नर्सिंग संवर्ग के 9,665 पद हैं और इसमें से 5,728 पद भरे हैं, 3,937 पद रिक्त। यहां पर लिखा कि लैब टेक्नीशियन के भी 26% पद खाली पड़ रहे हैं। अभी ये जो विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं भर्ती को पूरा करने के लिए। वहीं पर पब्लिक हेल्थ नर्स की अगर हम लोग बात करें ट्विटर पद पर भर्ती के लिए, तो यहां पर लिखा यूपी में नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, लेडी हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग सेंटर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला ANM ट्रेनिंग सेंटर में युवाओं को बेहतर ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए पब्लिक हेल्थ नर्स PHN ट्यूटर के 190 पदों पर भर्ती हो रही है। और उसके लिए लिखा कि आवेदन फॉर्म इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध है। 20 जुलाई तक अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इन छात्रों को 35,000 रुपये मानदेय मिलेगा और यहाँ पर लिखा कि इनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतिम सूचना पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के है। जानकारी निकल करके आ रही है कि 20 जुलाई के आसपास पुलिस भर्ती बोर्ड 26,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जो विज्ञापन है वो निकाल सकता है, और सितंबर या अक्टूबर में दरोगा की जो नई भर्ती होनी है 850 पदों के लिए, उसमें कुछ और पद भी जोड़े जा सकते हैं। उसके लिए फिर से अधियाचन मांगा जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। दरोगा की नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो पुलिस भर्ती एवं पुरोन्नत बोर्ड की योजना है कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में उसका जो विज्ञापन है वो निकाल दिया जाए। 850 पदों को जोड़ने की मांग की गई थी भर्ती बोर्ड के द्वारा इसी पुरानी भर्ती में, लेकिन शासन ने उसको इनकार कर दिया था और शासन ने ये कहा था कि इसके लिए नई भर्ती निकाली जाएगी। और उम्मीद है कि जो दोबारा रिक्तियों का जो विवरण आएगा तो उसमें लगभग 1500 से 2000 पद और बढ़ सकते हैं, तो टोटल 2500 से 3000 पदों पर आपको एक नई भर्ती देखने को मिल सकती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।